Hello guys, welcome to this session. As Grand Slam is one of the favorite topic of the examiner in your current affairs section, so today we will do MCQs on the Grand Slam 2023. As we all know, per year there are 4 Grand Slam, और अभी जो recent में Grand Slam हुआ है, वो हुआ है US Open Grand Slam. So let me do the MCQs. Question is, who has won the men's single title in the tennis tournament that is US Open 2023? Your A option is Carlos Alcaraz, B option is Andre Rublev, C option is Rafael Nadal and D option is Novak Djokovic. Right answer is option D, that is Novak Djokovic. और ये belong करते हैं सर्बिया country से, ये भी आपको याद रखना है. ये इनका जो है 24th Grand Slam था, ये भी आपको याद रखना है. और जो runner up थे वो थे Daniil Medvedev, right? Next question is, who has won the women's single title in US Open 2023? Your A option is Coco Gauff, B option is Aryna Sabalenka, C option is Margarita Vondrousova and D option is Iga Swiatek. तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज कोको गॉफ. और ये बिलोंग करती है यूएसए कंट्री से, राइट, यूएस ओपन 2023 और ये बिलोंग करती है यूएसए कंट्री से. एंड ये इनका जो है फर्स्ट ग्रैंड स्लैम था और रनर अप कौन रही, वो रही अरेंका सबलेंका, जो बिलोंग करती है बेलारूस कंट्री से, राइट. हियर आई मेंशन द यूएस ओपन डबल टाइटल, जो मेंस डबल टाइटल था वो जीता गया था राजीव राम एंड जोई सेल्सबरी के द्वारा. और जो वुमेन्स डबल टाइटल था उसको जो जीतने वाली थी वो थी गैब्रिएला डेब्रोस्की एंड एरिन रॉटली. मिक्स डबल टाइटल जो है हैरी हेलिगोवरा एंड एना डेलिना के द्वारा जीता गया था, राइट. नेक्स्ट, हियर आई मेंशन ऑल द यूएस ओपन विनर्स लिस्ट, सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सो दैट यू कैन रिवाइज इट, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वन द मेन सिंगल टाइटल ऑफ विंबलडन ओपन 2023? तो अभी हम विंबलडन ओपन के जो है विनर्स को देखेंगे. तो अभी आपको बताना है मेन सिंगल टाइटल का जो है विंबलडन ओपन किसने जीता था. यो ए ऑप्शन इज कार्लोस अल्कराज, बी ऑप्शन इज कैस्पर रूड, सी ऑप्शन इज डैनियल मेडवेदेव एंड डी ऑप्शन इज नोवाक जोकोविक. तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज कार्लोस अल्कराज. और ये बिलोंग करते हैं स्पेन कंट्री से. अब देखिए गाइस, इनका नाम इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है विंबलडन ओपन 2023 का टाइटल जीता है किनको हरा के, बाय डिफीटिंग नोवाक जोकोविक को, राइट, जो कि है वर्ल्ड के नंबर वन टेनिस प्लेयर. और ये जो है कार्लोस अल्कराज का जो है फर्स्ट विंबलडन ग्रैंड स्लैम था, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वन द वुमेन सिंगल टाइटल ऑफ विंबलडन ओपन 2023? योर ए ऑप्शन इज ओंस जेबियर, बी ऑप्शन इज ईगा स्वाइटेक, सी ऑप्शन इज मार्केटा वंड्रोसोवा एंड डी ऑप्शन इज नोआमी ओसाका. तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज मार्केटा वंड्रोसोवा, जो बिलोंग करती हैं चेक रिपब्लिक से, राइट. और जो रनर अप थी वो थी ओंस जेबियर, जो बिलोंग करती थी ट्यूनिशिया कंट्री से, राइट. हियर आई मेंशन विंबलडन ओपन 2023 डबल टाइटल विनर. तो ये 136th एडिशन था विंबलडन ओपन का और मेंस डबल टाइटल किसने जीता, सो वेस्ली कोल्होर एंड नील स्कोप्सकी. इनके आपको जो है कंट्रीज के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ नेम ही नेम याद रखने हैं अगर आप किसी हायर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, राइट. और सेकेंड वन इज द वुमेन्स डबल टाइटल, जीता था ही स्वीवी एंड बारबोरा स्ट्रेविकोवा के द्वारा, राइट. हियर आई मेंशन ऑल द विंबलडन ओपन 2023 विनर लिस्ट, सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सो दैट यू कैन रिवाइज इट लेटर ऑन, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वन द फ्रेंच ओपन 2023 मेन सिंगल टाइटल? ए ऑप्शन इज राफेल नडाल, बी ऑप्शन इज नोवाक जोकोविक, सी ऑप्शन इज कैस्पर रूड एंड डी ऑप्शन इज स्टेफानोस सिटसिपास. तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज नोवाक जोकोविक, जो बिलोंग करते हैं सर्बिया कंट्री से. एंड लिसन गाइस, 4 ग्रैंड स्लैम हुए थे तो उनमें जो है सिर्फ एक को छोड़ के, दैट इज विंबलडन ओपन, जो जीता गया था अल्कराज के द्वारा, बाकी जो तीनों ग्रैंड स्लैम थे इन द मैन सिंगल कैटेगरी में वो जीते गए थे नोवाक जोकोविक के द्वारा. तो इससे आपको इजी रहेगा याद करने का और आपको इनकी कंट्री भी बहुत अच्छे से याद रखनी है, ये बिलोंग करते हैं सर्बिया कंट्री से. और रनर अप कौन रहे थे, वो थे कैस्पर रूड, जो बिलोंग करते हैं नॉर्विया कंट्री से, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वन द फ्रेंच ओपन 2023 वुमेन सिंगल टाइटल? ए ऑप्शन इज ईगा स्वाइटेक, बी ऑप्शन इज एलेना रिबियंका, सी ऑप्शन इज बारबोरा क्रेस्पिकोवा एंड डी ऑप्शन इज कैटरीना सिनियोंकोवा. तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, दैट इज ईगा स्वाइटेक. वन द फ्रेंच ओपन 2023 और ये बिलोंग करती है पोलैंड कंट्री से. और ईगा स्वाइटेक जो है ये वर्ल्ड नंबर टेनिस प्लेयर हैं और इन्होंने हराया था कैरोलिना मुचोवा को, जो बिलोंग करती थी चेस रिपब्लिक कंट्री से. तो ये फ्रेंच ओपन 2023 का जो है ये 127th एडिशन था और मेंस डबल टाइटल के जो विनर थे वो थे इवान डॉडगी एंड ऑस्टिन क्रेस्की से. और वुमेन्स डबल टाइटल के जो विनर थे वो थी हेसा सू वी
जो ताइवान से थी एंड वांग सियाना जो कि है चाइना कंट्री से बिलोंग करते थे। इनके आपको रनर अप याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको डबल टाइटल के जो है विनर्स के नाम याद रखने हैं, ना कि इनकी कंट्रीज और ना ही इनके रनर अप। ओके, हियर आई मेंशन ऑल द फ्रेंच ओपन विनर्स लिस्ट, सो आप इनका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो या अपने नोट्स में एड ऑन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 मैन सिंगल टाइटल। ए ऑप्शन इज राफेल नडाल, बी ऑप्शन इज नोवाक जोकोविक, सी ऑप्शन इज कैस्पर रूड एंड डी ऑप्शन इज स्टेफनोस सिस्टिपस। तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि चार ग्रैंड स्लैम में से जो है मेंस की कैटेगरी में तीन ग्रैंड स्लैम जीते गए थे नोवाक जोकोविक के द्वारा, और आई होप कि आपको अभी तक इनकी कंट्री का नाम याद हो चुका होगा। तो ये बिलोंग करते थे सर्बिया कंट्री से। राइट, और ये वर्ल्ड के जो है नंबर वन टेनिस प्लेयर भी हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 वुमेन सिंगल टाइटल। ए ऑप्शन इज अराइना सबलेंका, बी ऑप्शन इज एलेना रिबियंका, सी ऑप्शन इज बारबोरा क्रेस्पिकोवा एंड डी ऑप्शन इज कैटरीना सिनियोंकोवा। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, दैट इज अराइना सबलेंका। इन्होंने जीता था ऑस्ट्रेलियन ओपन और ये बिलोंग करती हैं बेलारूस कंट्री से, और रनर अप रही थी एलेना रिबियंका जो बिलोंग करती हैं कजाकिस्तान कंट्री से। हियर आई मेंशन द डबल टाइटल विनर, सो मेंस डबल टाइटल वन बाय जैसन पोबलेव एंड रिंकी हजीकता। राइट, एंड वुमेन्स डबल टाइटल वन बाय बारबोरा क्रेस्पिकोवा एंड कैटरीना सिनियोंकोवा। एंड यहाँ पर देखिए गाइस, अब आपको मिक्स डबल टाइटल इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनके नाम आपको याद रखने हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लुइसा स्टेफनी एंड राफेल मार्टोस ये जीते थे किनको हरा के, इंडियाज के टेनिस प्लेयर को हरा के, जो कि थे सानिया मिर्जा एंड रोहन बोपन्ना। राइट, इसलिए आपको इनके मिक्स डबल टाइटल के नाम रखना ऑस्ट्रेलियन ओपन के जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट, तो आप इसको भी याद रखिएगा। यहाँ पर मैंने सभी के नाम मेंशन किए हुए हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन विनर्स के, सो आप इसको एड ऑन कर लीजिए अपने नोट्स में या स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ताकि आप इनको बार बार रिवाइज करोगे गाइस तभी आपको याद होंगे। राइट, एंड हियर आई मेंशन द मेन सिंगल एंड वीमेन सिंगल विनर्स लिस्ट। अगर आप किसी लोअर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो गाइस 99% चांसेस हैं कि आपका क्वेश्चन यहीं से ही बन जाएगा। राइट, तो आपको अगर कंप्लीट नहीं याद करना है तो इतना तो कंपलसरी है, क्योंकि ग्रैंड स्लैम जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है करंट अफेयर सेक्शन में। तो आप देख लीजिए, मेंस कैटेगरी में तो आपको ईजी है याद करना, क्योंकि तीन ग्रैंड स्लैम तो है नोवाक जोकोविक के द्वारा ही जीते गए थे जो बिलोंग करते सर्बिया कंट्री से, और विंबलडन ओपन जो है जीतने वाले जो पर्सन थे वो थे कार्लोस अल्कराज जो बिलोंग करते हैं स्पेन कंट्री से। और इनका नाम भी गाइस इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है हराया था नोवाक जोकोविक को। राइट, तो इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट, और ये इनका जो है फर्स्ट विंबलडन ग्रैंड स्लैम रहा था कार्लोस अल्कराज का। राइट, अब आज ये अगर वीमेन सिंगल की बात करें, सो देखिए अब ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें, सो ए से आप याद रख सकते हो, ए मीन्स अल्फाबेट ए से ऑस्ट्रेलियन ओपन अरियाना सिबलियंका। राइट, इनका नाम भी ए अल्फाबेट से शुरू होता है। राइट, इस तरह से आप याद रख सकते हो। और फिर जो फ्रेंच ओपन जो ईगर स्वस्ति के द्वारा जीता गया था, और देखिए कोको गॉफ का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यूएस ओपन अभी रिसेंट में ही हुआ, तो इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट, और क्योंकि ये इनका जो है फर्स्ट ग्रैंड स्लैम था। राइट, कोको गॉफ का। राइट, तो इसलिए आपको इनका नाम भी अच्छे से याद रखना है, और इनकी कंट्री भी, ये बिलोंग करते थे यूएसए कंट्री से। राइट, और मार्केटा वेंड्रोसोवा का आप नाम इस तरह से याद रख सकते हो। अब देखिए इनका नाम सबसे लेंथीएस्ट है आई थिंक, तो विंबलडन को अगर देखा जाए तो इसमें भी सबसे ज्यादा अल्फाबेट आ रहे हैं, और मार्केटा वेंड्रोसोवा के नाम में भी बहुत ज्यादा अल्फाबेट है। तो इस तरह से आप इसको जो है रिलेट कर सकते हो। अगर आपको नाम याद रखने में प्रॉब्लम आ रही है तो इस तरह से आप कोई ट्रिक बना लीजिए, जिससे कि आपको अच्छे से ये चीजें क्लियर हो जाए। राइट, तो अभी यहाँ पर देखिए, कई बार क्या होता है, इन जनरल स्टैट एंड जीके में कई बार ये पूछ लिया जाता है कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो कौन से सर्फेस पे खेला जाता है। राइट, सो ऑस्ट्रेलियन ओपन प्लेड किया जाता है हार्ड कोर्ट पे, फ्रेंच ओपन ऑन द क्ले कोर्ट, विंबलडन ओपन आर प्लेड ऑन द ग्रास कोर्ट एंड यूएस ओपन प्लेड ऑन द हार्ड कोर्ट। राइट, और जो विंबलडन ओपन है इट इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस टेनिस टूर्नामेंट। राइट, ये आपको याद रखना है। आप इनके ईयर देख सकते हो अगर आपको याद रखने हैं, अगर आप किसी हायर एग्जाम की तैयारी करते हो, सो यू कैन रिमेंबर इट। राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप दैट यू लव द सेशन, प्लीज गिव अ वन थम्स अप टू वीडियो, वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।